हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूनम शर्मा। आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग डेंटल प्लाक के बारे में जानेंगे। डेंटल प्लाक को हिंदी में दांतों का मेल भी कहा जाता है। ये क्या होता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी समझेंगे। दांत का मेल या डेंटल प्लाक इन हिंदी। दांत का मेल या प्लाक बैक्टीरिया से बनने वाली एक चिपचिपी तथा रंगहीन परत होती है, जो आपके दांतों और मसूड़ों व दांतों के बीच लगातार बनती रहती है। प्लाक में वह बैक्टीरिया होते हैं जो दांतों में कैविटी और अन्य मसूड़ों के रोगों का कारण बनते हैं। जब आप कुछ खाते हैं तो बैक्टीरिया उस भोजन में से शुगर का इस्तेमाल एक प्रकार की एसिड बनाने के लिए करते हैं। यह एसिड दांतों की ऊपरी परत, जिसे इनेमल कहा जाता है, उस पर हमला करती है और परिणाम स्वरूप दांतों में कैविटी या छेद बनने लग जाती है। अगर दांत के मेल को नियमित रूप से ब्रश करके और फ्लॉसिंग करके साफ ना किया जाए तो प्लाक यानी दांत के मेल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया दांतों में सड़न व मसूड़ों के रोग पैदा करते हैं। जब ये दांत व मसूड़ों के बीच जमा होते हैं, अत्यधिक मात्रा में बैक्टीरिया और टार्टर बनने लगता है, जिससे मसूड़ों के उत्कों में सूजन, जलन, लालिमा पैदा हो जाती है और दर्द भी होने लगता है। सूजन व दर्द के कारण जिंजिवाइटिस व अन्य मसूड़ों से संबंधित रोग पैदा हो सकते हैं। जब दांतों के मेल को दांतों से नहीं निकाला जाता है और यह लंबे समय तक दांतों में जमा रहता है, तो ऐसे में यह कठोर हो जाता है और कैलकुलस के रूप में विकसित हो जाता है, अन्यथा इसे टार्टर के रूप में भी जाना जाता है। क्षतिग्रस्त मसूड़े लाल रंग के दिखने लगते हैं और यहाँ तक कि मसूड़ों से खून भी आने लग सकता है। दांत के मेल का लगातार जमा होते रहना दांत व मसूड़ों और दांत को सहारा प्रदान करने वाली हड्डी की संरचनाओं में नुकसान पहुंचा सकता है और साथ ही साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं पैदा कर सकता है। जब एक बार दांत का मेल कैलकुलस में बदल जाता है तो इसको फ्लॉसिंग या ब्रश के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इसको हटाने के लिए दंत स्वास्थ्य विशेषज्ञ या इसको हटाने वाले विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। दांत के मेल के लक्षण यानी कि डेंटल प्लाक सिम्टम्स इन हिंदी। दांत में मेल जमने के क्या लक्षण हो सकते हैं? दांत का मेल या डेंटल प्लाक पीले या हल्के पीले रंग का हो सकता है, लेकिन यह रंगहीन भी हो सकता है, जिसको देख पाना मुश्किल होता है। प्लाक और टार्टर, इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों शब्द काफ़ी समान होते हैं और इनको एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल करने पर आम तौर पर कोई समस्या नहीं होती। हालांकि ये अलग अलग चीज़ें हैं। दरअसल प्लाक की वह वास्तविक बैक्टीरिया है जो कैविटी और सड़न का कारण बनता है। वहीं आपके दांतों पर टार्टर दांतों में दाग, लार, भोजन, कचरा और जमी हुई कीट के इकट्ठा होने के कारण बनता है। इन्हीं के चलते प्लाक को दांतों पर जमे रहने में मदद मिलती है। प्लाक बनने से निम्न समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि जिंजिवाइटिस, पायरिया, कैविटी, मुंह की बदबू। जिंजिवाइटिस, प्लाक बैक्टीरिया जमा होने से मसूड़ों में सूजन, लालिमा व दर्द होने लगता है। पायरिया, यदि मसूड़ों के रोग का बिना उपचार के छोड़ दिया जाए तो यह पायरिया का कारण बन सकता है। कैविटी, प्लाक में बैक्टीरिया द्वारा पैदा किए जाने वाला एसिड पीएच के स्तर को कम कर देता है और आपके दांतों की परत को नष्ट कर देता है। मुंह की बदबू, मुंह में कम स्वच्छता रखने के कारण प्लाक बनने से मुंह में दुर्गंध पैदा हो सकती है। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?
अगर आपके दांतों में प्लाक मुश्किल से हटने वाला टार्टर में बदल गया है तो अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। दांतों के बाहर जो आपको पीले या सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं वही टार्टर होता है। इसे आमतौर पर डेंटिस्ट द्वारा ही हटाया जाता है क्योंकि यह काफ़ी मजबूत और तेजी से दांतों की परत से चिपकने वाला एक पदार्थ होता है। यदि इसको बिना उपचार के ही छोड़ दिया जाए तो टार्टर के कारण मुंह में दुर्गंध और दांतों पर दाग पड़ जाते हैं। ऐसे में दांतों की परत का रंग ही पीला पड़ जाता है जिससे मरीज को काफ़ी संकोच महसूस होता है। टार्टर को घर पर नहीं हटाया जा सकता, इसको हटाने के लिए डेंटिस्ट का सहयोग लेना पड़ता है जो पेशेवर तरीके से सफाई करके इसे हटाते हैं। दांत के मेल के कारण डेंटल प्लाक कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर इन हिंदी। दांत में मेल क्यों जमता है? जब मुंह के अंदर लार, भोजन व अन्य द्रवों का मिश्रण बनता है तो मुंह में एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जिसमें बैक्टीरिया आसानी से विकसित हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया दांतों व मसूड़ों में जमा होने लगते हैं, खासकर दांतों और मसूड़ों के बीच। आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट और शर्करा युक्त जैसे सुक्रोज और स्टार्च वाला पदार्थ जो सॉफ्ट ड्रिंक और कैंडी में मिलते हैं जिनसे कि दांतों पर मेल यानी प्लाक बनता है। अधिक मिठास वाले खाद्य पदार्थ जैसे केक, मिठाइयाँ और फल आदि भी दांत में मेल को बढ़ा सकते हैं। कुछ निश्चित प्रकार के खाद्य पदार्थ खासकर कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ दांतों पर मेल को बढ़ाने में खास मददगार साबित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ जैसे दूध, सॉफ्ट ड्रिंक, केक और कैंडी आदि। दांतों में मेल जमने का खतरा किन कारणों से बढ़ जाता है? स्नैक्स अधिक लेना, तंग या टेढ़े-मेढ़े दांत होना, खराब मुंह की स्वच्छता, सिगरेट पीना या तंबाकू चबाना। अब बात करते हैं दांत के मेल से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ डेंटल प्लाक इन हिंदी। दांत में मेल बनने से बचाव कैसे किया जा सकता है? उचित देखभाल द्वारा दांतों पर का जो मेल है, जो मेल जमने से रोका जा सकता है। बस आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि आपके दांतों पर रोजाना जमने वाले मेल को हटाने के लिए दिन में कम से कम 2 बार अच्छे से ब्रश करें। शुगर व स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ को सीमित मात्रा में ही खाएं, खासकर चिपकने वाले भोजन व स्नैक्स आदि। पेशेवर रूप से दांतों की सफाई जांच के लिए नियमित रूप से डेंटल क्लिनिक जाने का कार्यक्रम बना कर रखें। दिन भर में आप जितनी बार स्नैक्स लेते हैं उसकी संख्या में कमी करने की कोशिश करें। दांतों के बीच और मसूड़ों की लाइन में फंसे मेल को निकालने के लिए फ्लॉसिंग करें क्योंकि यहाँ तक ब्रश नहीं पहुँच पाता। स्वास्थ्यकर भोजन खाएं। स्वस्थ व संतुलित भोजन करना और भोजन के बाद ब्रश करने से दांत का मेल बनना कम हो जाता है। संतुलित भोजन खाएं और बीच में स्नैक्स आदि को अधिक बार ना खाएं। यदि आपको कुछ स्नैक्स लेने की जरूरत है तो पोषक खाद्य पदार्थों को चुनें, जैसे साधारण दही, पनीर, फल और कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां। फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट ब्रश करने के लिए एंटीबैक्टीरियल फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। दांत के मेल और टार्टर के जोखिम को कम करने के लिए धूम्रपान छोड़ दें। तंबाकू उत्पादों का सेवन करने से बचें। दांत के मेल का परीक्षण, डायग्नोसिस ऑफ डेंटल प्लाक इन हिंदी। दांत में मेल की जांच कैसे की जाती है? मसूड़ों के रोगों का पता करने के लिए डॉक्टर दांतों का एक पूर्ण परीक्षण करते हैं। अच्छी मौखिक स्वच्छता बनाए रखना और हर 6 महीने में दांतों के विशेषज्ञों से जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दांतों के वे क्षेत्र जहां देख पाना कठिन है वहां पर प्लाक देखने के लिए डॉक्टर
डेंटल मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। डेंटल स्केलर प्लाक और टार्टर को हटाने वाला उपकरण होता है। उसके द्वारा प्लाक को इकट्ठा करने के दौरान भी डेंटल मिरर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेरियोडोंटल प्रोब दांतों का एक छोटा उपकरण जिसको पेरियोडोंटल प्रोब बोला जाता है, उसका प्रयोग करके दांतों और मसूड़ों के बीच मौजूद खाली जगह यानी कि सल्कस को मापा जाता है। एक अच्छी सल्कस की पहचान यह है कि उसकी गहराई 3 मिलीमीटर या उससे कम ही होनी चाहिए और उनमें से खून नहीं आना चाहिए। पेरियोडोंटल प्रोब से यह पता लगाया जाता है कि कहीं यह गहराई 3 mm से अधिक तो नहीं है। गौरतलब है कि दांतों की तकलीफ बढ़ने के साथ यह खाली जगह और इसकी गहराई भी बढ़ती जाती है। प्लाक के परीक्षण और इलाज को सुनिश्चित करने के लिए आपके डेंटिस्ट रिक्त स्थान की गहराई, रक्तस्राव की मात्रा, सूजन व जलन और दांत हिलना आदि की जांच करते हैं। दांतों पर जमे मेल की जांच करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है जो जांच के दौरान दांत पर दाग छोड़ता हो। दांत का मेल या प्लाक एक बैक्टीरिया से ही बनी परत होती है जो दांतों, मसूड़ों के अंदर और दांतों व मसूड़ों के बीच के रिक्त स्थान में चिपकी होती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि घर पर आप अपने दांत के मेल ठीक से हटा पा रहे हैं या नहीं, तो प्लाक डिस्क्लोजिंग प्लाक दिखाने वाली टेबलेट का इस्तेमाल करें। ये टेबलेट प्लाक को दाग का रूप दे देती है। ये स्थानीय मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। हालांकि किसी भी प्रकार की दवा लेने से पहले डेंटिस्ट से बात कर लें। प्लाक को दाग के रूप में प्रकट करने से यह जानना आसान हो जाता है कि आपको किस क्षेत्र में बेहतर तरीके से ब्रश और फ्लॉसिंग करने की आवश्यकता है, जिसकी मदद से आप घर पर ही दांत के मेल को हटा सकते हैं। टेबलेट द्वारा बनाए गए दाग ब्रश द्वारा आसानी से चले जाते हैं। दाग की मदद से आप यह देख पाते हैं कि आप कितनी अच्छे से ब्रशिंग और फ्लॉसिंग कर सकते हैं। उत्पाद जिनको घर पर उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि डिस्क्लोजिंग टेबलेट, डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशन, ये प्रोडक्ट उस प्लाक पर दाग लगा देते हैं जो मसूड़ों की परत और दांतों के बीच ब्रश व फ्लॉसिंग करते समय आपके नजरों से बच गया था। दांत के मेल का इलाज, डेंटल प्लाक ट्रीटमेंट इन हिंदी। दांत में प्लाक का उपचार कैसे करें? दांत से मेल और टार्टर को हटाना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे दांतों में सड़न व मसूड़ों के रोग होने के जोखिम बढ़ जाते हैं। यदि इसे बिना उपचार के छोड़ दिया जाए तो क्रोनिक जिंजिवाइटिस और डीजनरेटिव टूथ लॉस हो सकता है। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधित अंतर्निहित समस्या है, उनके लिए परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। सही तरीके के साथ दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें। जब आप बस ब्रश कर रहे होते हैं तो ब्रश को 45 डिग्री के कोण पर मसूड़ों पर लगाकर हल्के हल्के ब्रश करें। दांत की चौड़ाई के अनुसार ब्रश को हल्के हल्के गोलाई में घुमाकर ब्रश करें। ब्रश के साथ पूरे मुंह की सफाई करने की कोशिश करें। दांतों का अंदरूनी और बाहरी तथा ऊपर नीचे की परत को हल्के ब्रश के साथ रोजाना साफ करें। बैक्टीरिया को बाहर निकालने और सांस की बदबू को दूर करने के लिए जीभ पर ब्रश करें। ब्रश करते समय पूरे 2 मिनट का समय लगाएं। दांतों के बीच की सफाई, सिर्फ दांत ही एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर मेल इकट्ठा होता है। मेल आपके दांतों के बीच की जगह में छिप सकता है। इसको निकालने के लिए फ्लॉसिंग यानी धागे से दांतों की सफाई करना या इस जैसे अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करें। माउथ वॉश का इस्तेमाल करना, क्लोर एक्सीडिन एक सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है। यदि आपको इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है तो आपको अपने दांतों को ब्रश करने और क्लोरएक्सीडिन का उपयोग करने के लिए
करने के बीच के समय में पानी के साथ अपने मुंह को कुल्ला करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि टूथपेस्ट में कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो क्लोरेक्साइडिन को निष्क्रिय कर देते हैं। क्लोरेक्साइडिन को लगातार 7 से 10 दिन या उससे भी अधिक समय तक इस्तेमाल करने से दांतों में भूरे रंग के दाग पड़ सकते हैं। इस दाग को डेंटिस्ट या डेंटल हाइजीनिस्ट आसानी से पॉलिश करके साफ कर देते हैं। दाग को कुछ चीज़ों की मदद से कम किया जा सकता है, जैसे कि क्लोरेक्साइडिन का इस्तेमाल करने से पहले ब्रश करना, लेकिन बाद में ब्रश न करें। क्लोरेक्साइडिन का इस्तेमाल करने के 2 से 3 घंटे बाद तक ऐसे पेय पदार्थ ना पिए जिनमें टैनिन होता है, उदाहरण के लिए चाय या कॉफ़ी। उच्च शक्ति के सॉल्यूशन की जगह पर 0.2% सॉल्यूशन का प्रयोग करें। अपने आहार की शुगर और स्टार्च की मात्रा को कम करें। जब आप भोजन करना बंद करते हैं तो बैक्टीरिया मुंह में बचे शुगर में पहुंच जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। भोजन में जितना मीठा होगा, आपको ब्रश करते समय उतने ही अधिक बैक्टीरिया से निपटना पड़ेगा। मीठे खाद्य पदार्थ अम्लीय यानी कि एसिडिक होते हैं, जो सड़न पैदा करते हैं। उन्हें जितना हो सके कम मात्रा में खाएं। ऐसा करके आप दांत संबंधी समस्याओं से बचे रहेंगे। सबसे गंभीर कारण जिनमें कुछ इस प्रकार से शामिल हैं, स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड और आलू के चिप्स, चिपचिपी कैंडी जो दांतों में चिपकती हैं, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर शराब। जब आप उपरोक्त खाद्य पदार्थों में से किसी का सेवन करते हैं तो भोजन के फंसे हुए टुकड़ों को निकालने के लिए और मुंह को नम रखने के लिए खूब मात्रा में पानी पिए। भोजन करने के समय के बीच में स्नैक ना लें और अपने दांतों को सफ़ेद रखने के लिए खाना खाने के बाद ब्रश करें। यदि आप कहीं ऐसी जगह पर खा रहे हैं जहां आप ब्रश नहीं कर सकते तो शुगरलेस च्युइंगम चबाइए। नियमित रूप से डेंटिस्ट यानी विशेषज्ञ से सफाई करवाते रहें। भले ही घर पर आप सख्त मौखिक स्वच्छता का रूटीन अपनाते हैं, फिर भी आपको हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए। एक डेंटिस्ट ही आपको आपके दांतों के लिए संपूर्ण और मानकों के मुताबिक सफाई प्रदान कर सकता है, जिसकी मदद से आप जिद्दी टार्टर और आसानी से नज़र न आने वाले प्लाक से छुटकारा पा सकते हैं। अक्सर डेंटिस्ट के पास जाते रहिए। आपके प्लाक की ज़्यादातर रोकथाम आपकी दिनचर्या के दौरान ही की जाती है। फिर भी साल में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट से दांतों का चेकअप करवाना जरूरी होता है। इसके अलावा जो दाग आपकी पहुंच से दूर है या आपको दिखाई नहीं दे रहे, उनको एक बड़ी समस्या बनने से पहले ही डेंटिस्ट उनका पता लगा लेते हैं। दांत के मेल की जटिलताएं, डेंटल प्लाक कॉम्प्लिकेशंस इन हिंदी। दांत में मेल जमने से क्या समस्याएं हो सकती हैं? दांत का मेल मसूड़ों के रोगों के विकसित करता है। मसूड़ों में लंबे समय तक संक्रमण रहने के चलते दांत निकलवाने जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। अध्ययन से पता चला है कि मुंह के संक्रमण और डायबिटीज, हृदय रोगों और समय से पहले जन्म लेना जैसी स्थितियों से इस दांत विकार का संबंध हो सकता है। हृदय रोग, जिंजिवाइटिस के चलते धमनियां रुकने और खून के थक्के बनने जैसी समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि मुंह के बैक्टीरिया पूरे शरीर में सूजन व जलन आदि फैला सकते हैं, जिसमें धमनियां भी शामिल हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार मसूड़ों का संक्रमण भी स्ट्रोक व हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों से जुड़ा है। संक्रमण जितना बड़ा होता है, जोखिम उतने ही अधिक होते हैं। डायबिटीज, यदि आपको डायबिटीज की समस्या है तो आप में मसूड़ों के रोग होने का खतरा बहुत अधिक है। शोध से पता लगा है कि लंबे समय से चली आ रही मसूड़ों की दिक्कत के कारण शरीर में पनपी डायबिटीज को नियंत्रण में करना और भी मुश्किल हो जाता है।
इस संक्रमण के चलते डायबिटीज से जुड़े इंसुलिन की प्रतिरोधी क्षमता पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समय से पहले जन्म, मुंह के बैक्टीरिया माँ के रक्तस्राव के माध्यम से गर्भनाल तक पहुँच सकते हैं और भ्रूण के विकास को बाधित कर सकते हैं। इसके अलावा मुंह के संक्रमण के चलते होने वाली माँ को कई बार बेहद जल्दी जल्दी और आमतौर पर ऐसा लगने लगता है कि वह लेबर पेन में जाने वाली है, यानी कि उसे बच्चा होने वाला है। ऐसा होने के चलते कई बार संभावित रूप से समय से पहले बच्चे को जन्म देने जैसी जटिलताएं पैदा हो सकती है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दांतों से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।